हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लीन सोल फेस वॉश के बारे में, और इसके सोप और जेल का रिव्यू ऑलरेडी कर चुकी हूँ। इसके सोप के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, लेकिन जो इसका जेल है तो वो एक्ने पे काम ना करके वो किसी और पे ही काम करता है। मतलब उसके में रिजल्ट हैं लेकिन थोड़े से अलग हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखा तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे फोल्डर मिलेगा आपको नाइट क्रीम से, वहाँ पे आपको जेल का रिव्यू मिल जाएगा, ठीक है। या फिर आप मेरे चैनल का जो नाम है BLR प्रोडक्ट रिव्यू, आप मेरे चैनल के नाम से किसी भी प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं, वो इसलिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं क्लीन सोल फेस वॉश के बारे में, जो कुछ इस तरह से है, और ये भी आपको पैक ऑफ टू में ही मिलेगा। क्लीन सोल में यही प्रॉब्लम है, चाहे आप इसका जेल लो, चाहे इसका सोप लो, चाहे फेस वॉश लो, आपको कॉम्बो में ही लेना पड़ेगा इसे, ठीक है। पैक ऑफ टू थ्री में ही मिलेगा। इसके जेल जो है वो पैक ऑफ थ्री में है, सोप जो है वो भी पैक ऑफ थ्री में है, बट ये मुझे पैक ऑफ टू में मिल गया, तो मुझे दोनों ही बाय करने पड़े। और जब ये मुझे रिसीव हुआ था ना, तो मुझे लगा था मैं एक ही ट्राई करूँगी, एक जो है वो फेंक दूंगी, क्योंकि जब रिजल्ट अच्छा नहीं होगा तो थोड़ा सा लग रहा था कि उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। लेकिन जब मैंने इसे ट्राई किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले इसके। अब रिजल्ट क्या मिले इसके बारे में बात करेंगे। इसका फॉर्मूला जो किस तरह का है, ट्रांसपेरेंट है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, छोटे छोटे से ब्लैक कलर के पार्टिकल्स हैं, बहुत कम प्रोडक्ट इसमें लगता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होगी, इजिली फॉर्मिंग क्रिएट कर देता है और डीप क्लीन का काम करता है। एक छोटा सा थोड़ा सा इशू होगा कई लोगों को, जो जैसे डब सोप है, मैं बार बार डब का ही एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि वो ना ईजिली हटता नहीं है। जैसे आपने यूज़ किया उसे, ठीक है, आप पानी डाले जा रहे हो, वो क्या करेगा, स्लिप करता है। बस ये प्रॉब्लम है, ये स्लिप करेगा और बाकी डीप क्लीन का काम करता है, ये अच्छी बात है। अगर ये डीप क्लीन नहीं करता ना, तो फिर ये बिल्कुल बकवास फेस वॉश होता, बट ये अच्छा है। स्लिप करने के बाद भी इसके रिजल्ट आपको मिलेंगे, डीप क्लीन का काम करेगा और ऑयल कंट्रोल करेगा, तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है ये, कि ऑयल कंट्रोल कर रहा है, जैसी बात है एक्ने का क्लेम कर रहा है, एक्ने पे इसके रिजल्ट हैं, तो ऑयल कंट्रोल का भी काम करेगा, ठीक है। तो ये रहे इसके एक्ने पे, ठीक है। अब क्या ये एक्ने के अलावा भी कुछ वर्क करेगा? जैसे जब कोई फेस वॉश या सोप ट्राई करता है तो वो क्या सोच के करता है कि हमारा फेस जो है थोड़ा सा ब्राइट लगे ना, बिल्कुल फ्रेश लगे, तो बिल्कुल ये ऐसा ही करने वाला है। एक्ने के साथ इसके जो रिजल्ट मिलेंगे आपको, वो ये मिलेंगे कि आपके स्किन टोन में भी ये काम करेगा, भले ही आधे टोन तक ही क्यों ना आपके टोन को इम्प्रूव करे, बट ये करेगा, ठीक है। तो इसलिए ये मुझे और अच्छा लगा, मतलब एक तीर से इसने दो निशाने लगाए, एक्ने पे भी काम करेगा और साथ में आपके स्किन टोन पे भी काम करेगा। तो मैं इसे कहूँगी कि आप ज़रूर ट्राई कीजिए, 135 का है, मेडिकल पे आप ट्राई कर सकते हैं, अगर आपको मिल जाए सिंगल तो अच्छी बात है, वरना अगर आप पैक ऑफ टू में भी ले रहे हो ना तो कोई बात नहीं, क्योंकि रिजल्ट अच्छे हैं, आप पूरा पैसा वसूल लोगे। अगर दोनों बाय करते हो तो दोनों ही आप ट्राई करोगे, हो सकता है कि आप इसके बाद फिर से ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि आपको पसंद आएगा, स्पेशली समर सीजन के लिए। वो क्यों? क्योंकि ये एक मिंट फेस वॉश है, जब इसे ट्राई करोगे तो आपको बहुत अच्छा सा लगेगा, मतलब ठंडक लगेगा स्किन। इस फेस वॉश को ट्राई करोगे ना तो आपको एक ठंडक सा महसूस होगा, आपका मन करेगा कि मैं बार बार इसे ट्राई करूँ, और रिजल्ट भी बार बार अच्छे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं ये कहूँगी कि आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, प्रोडक्ट चेंज करके ट्राई करना चाहिए अगर उसके रिजल्ट अच्छे हों तो, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। अब साइड इफेक्ट से याद आ गया कि मैं बहुत से ऐसे मतलब रिव्यू तो करती हूँ, बस साइड इफेक्ट बोलना भूल जाती हूँ, वो इसलिए कि किसी के साइड इफेक्ट होते तो मैं मिक्स कर देती हूँ, अलग से मेंशन नहीं करती हूँ कि इसके साइड इफेक्ट हैं या नहीं है। अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो इसके कोई साइड इफेक्ट आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, ये रिजल्ट देगा, उल्टा साइड इफेक्ट कुछ नहीं आने वाले इसके। तो आप इसे ट्राई कर सकते हो, इसका बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसके थ्रू आप इसे बाय कर सकते हो।